ठंड इतनी थी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा था और बच्चे स्कूल जाने से डर रहे थे लेकिन उनके डर की वजह सिर्फ ठंड नहीं थी वो बच्चे क्लास टीचर सीमा मैडम के खौफ में थे एक दिन पहले स्कूल में कुछ ये हुआ था सभी ने होमवर्क किया कि नहीं हाँ मैडम किया है ठीक है मैं एक एक करके चेक करूंगी और गलती होने पर मैं सजा दूंगी ये सीमा मैडम की दूसरी क्लास थी सीमा मैडम ने एक दिन पहले ही स्कूल में नया नया ज्वाइन किया था सभी बच्चों ने सोचा था कि सीमा मैडम बाकी टीचरों की तरह अच्छी ही होगी लेकिन सीमा मैडम ने जब होमवर्क चेक करना शुरू किया तब सभी को उनकी असलियत के बारे में पता चला राजू मोती चुटकी और मीना तुम लोगों को सजा मिलेगी लेकिन क्यों मैडम क्योंकि होमवर्क में गलती है तुम चारों यहाँ लाइन लगाकर खड़े हो जाओ चारों लाइन में खड़े हो गए उन्होंने सोचा कि सीमा मैडम ज्यादा से ज्यादा मुर्गा बनाएंगी, या तो दो थप्पड़ मारेंगी लेकिन सीमा मैडम के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था बाहर बर्फ गिर रही थी सीमा मैडम बाहर से बर्फ लाई और चारों के स्वेटर के अंदर घुसा दिया इतनी कप कपाती ठंड में स्वेटर के अंदर बर्फ जाने से चारों के चारों जोर जोर से चिल्लाने लगे आ, आ, बहुत ठंडा है आ. मैडम मैडम बर्फ निकाल लीजिए मैडम हमसे और गलती नहीं होगी आ, आ। लेकिन सीमा मैडम ने हंसते हुए कहा <laughs> बर्फ तो मैं नहीं निकालूंगी और कोई नहीं निकालेगा ये सजा याद रहनी चाहिए तब जाकर तुम लोग सुधरोगे और हाँ ये बात अगर घर पर किसी को बताई तो और ज्यादा सजा मिलेगी सारे बच्चे बहुत डर गए राजू चुटकी मोती और मीना चारों ठंड से कांपते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठ गए क्लास खत्म होने के बाद सीमा मैडम बाहर चली गई तब बाकी बच्चों ने चारों के स्वेटर से बर्फ निकाल दिया उनको थोड़ी सी राहत मिली लेकिन तभी सीमा मैडम वापस आ गई किसने निकाला बर्फ किसने किया किसी ने उत्तर नहीं दिया मेरे मना करने के बावजूद तुम लोगों ने स्वेटर से बर्फ निकाला तुम सब, सब सजा के लायक हो सबको सजा मिलेगी ये बोलकर सीमा मैडम ने सभी के स्वेटर में बर्फ घुसा दिया और शाम तक घर लौटते लौटते सभी को जुखाम हो गया राजू की मां सुनीता कहने लगी क्या हो गया बेटा सुबह तक तो तू ठीक था अचानक से जुखाम कैसे हो गया तुझे राजू सब कुछ सच सच बताने जा ही रहा था लेकिन तभी उसे सीमा मैडम की बात याद आ गई और हां ये बात अगर घर पर किसी को बताई तो और ज्यादा सजा मिलेगी ये सोचकर राजू डर गया और उसने अपनी मां से कहा माँ वो बाहर बहुत ठंड है ना ऊपर से बर्फबारी भी हो रही है इसीलिए ठंड लग गई है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा नहीं जाएगा लेकिन क्यों बेटा थोड़ा सा जुखाम ही तो है नहीं माँ जुखाम ठीक होने के बाद ही स्कूल जाऊंगा नहीं बेटा एग्जाम सर पर है अभी स्कूल जाना ही होगा सुनीता ने राजू की बात नहीं मानी उसने सोचा कि राजू छोटा है इसीलिए बहाना बना रहा है अगले दिन राजू स्कूल गया बाकी बच्चे भी स्कूल आ गए वो सभी सीमा मैडम के खौफ में थे आज भी सीमा मैडम आएंगी और हमसे कुछ ना कुछ करवाएंगी मुझे तो बहुत डर लग रहा है पता नहीं आज क्या होगा कुछ देर बाद सीमा मैडम क्लास के अंदर आई और कहा बच्चों आज पढ़ाने का मूड नहीं है आज मैं आराम करूंगी राजू चुटकी यहाँ आओ और मेरे पैर दबा दो सीमा मैडम कुर्सी पर बैठ गई राजू और चुटकी पैर दबाने लग गए अरे अच्छे से दबाओ ताकत नहीं है क्या मैडम मुझे जोर की भूख लगी है तुम लोग टिफिन लाए हो ना हाँ मैडम लाए हैं हाँ तो एक एक करके मेरे सामने टिफिन ले आओ जिसका खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसे सजा मिलेगी ये सुनकर डर के मारे सभी बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए बच्चों ने अपना अपना टिफिन लेकर लाइन बना लिया लाइन में सबसे आगे टीना थी उसने सीमा मैडम को टिफिन खोल कर दिया उसमें पूरी सब्जी और गाजर का हलवा था अरे वाह पूरी सब्जी और गाजर का हलवा बहुत बढ़िया खाकर देखती हूँ सीमा मैडम ने पूरी सब्जी और गाजर का हलवा खाया और फिर उंगलियां चाटने लग गई बहुत स्वादिष्ट था खाना टीना तुम बैठ सकती हो उफ आज तो बाल बाल बच गई उसके बाद मीना टिफिन लेकर आई उसकी माँ ने पोहा बनाकर दिया था टिफिन खोलते ही सीमा मैडम ने मुंह बना लिया अरे छी 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 सारा मूड खराब कर दिया पोहा कौन खाता है यार पोहा क्यों लाई है मीना डर डर कर बोलने लगी मुझे म, मुझे पोहा पसंद है मैडम इसीलिए माँ ने बना कर दिया है पोहा कितना सूखा होता है पोहा नदी में फेंक दो तो नदी का पानी ही सूख जाएगा मीना मन ही मन सोचने लगी हाय आज तो मर गई मैडम को पोहा पसंद नहीं है मीना तूने मेरा मूड खराब किया है मैं तुझे सजा दूंगी मीना ने तुरंत रोते हुए सीमा मैडम के पैर पकड़ लिए <laughs> मुझे माफ कर दीजिए मैडम मुझसे गलती हो गई कल से मैं पूरी हलवाई लाऊंगी लेकिन सीमा मैडम को तो सजा देकर मजा आता था उन्होंने मीना को बाहर भेजा और बाहर से एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा लाने के लिए कहा मीना ने वही किया वो अपने हाथों से एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा उठाकर अंदर ले आई उसने सोचा यही उसकी पनिशमेंट थी लेकिन सीमा मैडम इतनी आसानी से छोड़ने वाली थोड़ी थी उन्होंने कहा मीना अब अपना जूता उतार और उस बर्फ के टुकड़े पर खड़ी हो जा क्या मैडम मैडम प्लीज माफ कर दीजिए ना मुझे मुझसे गलती हो गई प्लीज मैडम लेकिन सीमा मैडम पर रोने धोने का असर नहीं होता था उन्होंने मीना को नंगे पैर उस बर्फ के टुकड़े पर खड़ा करके ही दम लिया और उसके बाद एक के बाद एक बच्चों के टिफिन खोलती गई और एक के बाद एक बच्चों को सजा मिलती गई अंत में सीमा मैडम ने चुटकी और राजू का खाना भी खाया लेकिन खाना पसंद न आने पर उन्होंने उन दोनों को भी बर्फ के टुकड़े पर नंगे पैर खड़ा कर दिया और फिर डंडे से सभी को मारने लगी गंदा खाना लाते हो स्कूल में हु? तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी ठंड में नंगे पैर बर्फ पर खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है ऊपर से उन्हें मार भी पड़ रही थी बेचारे बच्चे ये कैसे सह पाते मीना बेहोश हो गई और गिर पड़ी उसे घर भेज दिया गया उसके माता पिता ने भी सोचा कि ज्यादा ठंड की वजह से हुआ ऐसा लेकिन मीना भी अपने माता पिता से सच कहने में डर रही थी वो भी सच नहीं बोल पाई इसीलिए सीमा मैडम को और ज्यादा छूट मिल गई वो हर रोज बच्चों पर अत्याचार करने लगी कभी वो बच्चों पर ठंडा पानी छिड़कने लगी तो कभी ठंड में क्लास का पंखा चलाने लगी इससे सभी बच्चे परेशान हो गए एक महीना ऐसे ही बीत गया स्कूल प्रिंसिपल को कुछ भी पता नहीं चला और एक महीने से ये सब सहते सहते बच्चे परेशान हो गए हमें कुछ करना होगा ये सब कब तक चलता रहेगा लेकिन हम क्या करेंगे राजू मैडम बहुत शातिर है हम बाहर कुछ भी बोलेंगे तो कौन हम पर यकीन करेगा हाँ मम्मी पापा सोचेंगे कि हम स्कूल ना जाने का बहाना बना रहे हैं हाँ ये सही कहा हमें दिमाग लगाना होगा राजू घर चला गया और उसी दिन विदेश से उसके चाचा लौट आए उन्होंने राजू को एक पेन दिया ये क्या चाचा आप विदेश से मेरे लिए केवल एक पेन लाए हो <laughs> ये ऐसा वैसा पेन नहीं है राजू बेटा ये देख इसमें कैमरा है लिखने के साथ साथ सब कुछ इसमें रिकॉर्ड भी होगा ये सुनते ही राजू के दिमाग की घंटी बजने लगी अगले दिन वो पेन लेकर स्कूल चला गया और अपनी जेब में पेन को रख दिया पेन का ऊपरी हिस्सा बाहर निकला हुआ था और उसी हिस्से में कैमरा लगा हुआ था आज भी रोज की तरह सीमा मैडम सबको डांटने मारने लगी और अंत में वो रोज की तरह सबको सजा देने पर उतर आई उन्होंने आज तो हद ही पार कर दिया उन्होंने सभी बच्चों को बाहर बर्फ में निकाल दिया और बर्फ पर सुला दिया कुछ देर बाद क्लास में लौटने के बाद सभी बच्चे <laughs> खांसने छीकने लगे और दस बारह बच्चे बेहोश हो गए प्रिंसिपल दौड़ कर आए और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया सभी बच्चों के पेरेंट्स अस्पताल चले आए लेकिन ये सब हुआ कैसे हाँ हाँ सभी एक साथ बीमार कैसे पड़ गए सीमा मैडम ही में खड़े होकर हंस रही थी तभी राजू ने कहा यह सब सीमा मैडम की वजह से हुआ है क्या मेरी वजह से क्या बोल रहे हो तुम राजू मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ झूठ सब कुछ झूठ ये देखिए राजू ने पेन निकाला और उसे फोन से कनेक्ट करके सभी को सब कुछ दिखाया सीमा मैडम की हालत खराब हो गई इतनी ठंड में भी वो पसीने पसीने होने लगी और पेरेंट्स सीमा मैडम पर बहुत गुस्सा हो गए उन्हें उल्टा सीधा कहने के बाद पुलिस को बुलाया गया और उन्हें जेल में भेज दिया गया डॉक्टर ने सीमा का चेकअप करने के बाद कहा कि उन्हें एक मेंटल डिसऑर्डर है बच्चों पर टॉर्चर करके उन्हें सुकून मिलता है कोर्ट ने उन्हें 20 साल की सजा दी और यह भी घोषित कर दिया कि 20 साल बाद भी उन्हें कभी भी कोई भी स्कूल नौकरी नहीं दे सकता ऐसे ही राजू की होशियारी से बहुत सारे बच्चों की जान बच गई और सीमा जेल में सड़ने लगी अदिति नौवीं क्लास में पढ़ती थी वो काफी मोटी थी उसे मूली के पराठे बहुत पसंद थे मूली के पराठे खा खा कर वो और भी ज्यादा मोटी हो गई थी उसके मूली के पराठे खाने की आदत से सब परेशान थे अदिति बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो स्कूल की बस आती ही होगी माँ आपने नाश्ते में क्या बनाया है आज तो मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। माँ आपको पता है ना कि मुझे मूली के पराठे कितने पसंद हैं? आप मूली के पराठे क्यों नहीं बनाती मैं स्कूल तभी जाऊंगी जब मुझे मूली के पराठे खाने को मिलेंगे अदिति बेटा अभी तो गर्मियों का मौसम है मूली का सीजन तो ठंड में आता है ठंड का मौसम आने दे तुझे मूली के पराठे बनाकर खिलाऊंगी प्रॉमिस, <laughs> प्रॉमिस बेटा। उस दिन आलू के पराठे खाकर और वही लंच में लेकर स्कूल चली जाती है लेकिन उस दिन से वो ठंड के आने का इंतजार करने लगती है अक्टूबर का महीना था अदिति जल्दी से अक्टूबर के खत्म होने का इंतजार करने लगती है नवंबर से ठंड शुरू हो जाएगी तब बाजार में मूली आ जाएगी और मम्मी मुझे मूली के पराठे बनाकर खिलाएगी अदिति दिन गिन रही थी कुछ दिनों के बाद अक्टूबर का महीना खत्म हो गया और नवंबर का महीना शुरू हो गया था अदिति एक दिन स्कूल बस से घर लौट रही थी तभी उसने घर के पास देखा कि सब्जी वाला ठेले पर मूली बेच रहा था उस दिन घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा माँ बाहर सब्जी वाला ठेले पर मूली बेच रहा है चलो ना मूली खरीद लो प्रीति बाहर जाकर देखती है तो सब्जी वाला मूली बेच रहा था सब्जी वाले भैया मूली कैसे दिए साठ रुपए किलो मैडम इतना महंगा बहन जी सीजन का नया मूली है अभी अभी बाजार में आया है महंगा तो होगा ही भैया पचास रुपए किलो लगा दो आ, नहीं हो पाएगा बहन जी इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं है सब्जी वाला जाने लगता है अदिति जिद करने लगती है माँ आपने कहा था कि ठंड के मौसम में आप मूली के पराठे कर दोगी आपने मूली क्यों नहीं खरीदी प्रीति को मूली खरीदनी पड़ती है वो सब्जी वाले को रोकती है भैया जरा रुको एक किलो मूली देते जाओ आ, ये लो बहन जी सब्जी वाला एक किलो मूली प्रीति को देता है ये लो आपके साठ रुपए मूली देखकर कर अदिति बहुत खुश हो जाती है उस रात डिनर में प्रीति मूली के पराठे बनाती है अदिति ने चार मूली के पराठे खा लिए माँ मुझे एक और पराठा चाहिए अदिति बेटा तूने चार पराठे पहले ही खा लिए जरा अपने वजन की ओर भी देख कितना ज्यादा है इतने पराठे खाएगी तो और मोटी हो जाएगी ठीक है माँ अभी मत दो लेकिन कल सुबह नाश्ते में मुझे मूली के पराठे ही चाहिए मैं तभी स्कूल जाऊँगी ठीक है अदिति कल सुबह तुझे मूली के पराठे ही दूंगी <ygly> दूसरे दिन भी प्रीति अदिति को नाश्ते में मूली के पराठे बना कर देती है अदिति नाश्ते में भी मूली के चार पराठे खा जाती है अदिति तूने रात में भी मूली के चार पराठे खाए थे और अभी नाश्ते में भी बेटा इतना ज्यादा खाएगी तो और मोटी हो जाएगी माँ मैं मूली के पराठे देखकर खुद को नहीं रोक सकती मूली के पराठे खाकर अदिति स्कूल चली जाती है लेकिन वहाँ स्कूल में क्लास टीचर उसे ब्लैक बोर्ड के पास बुलाकर कहती है कि वो बच्चों को गणित का सवाल हल करके दिखाए अदिति ब्लैक बोर्ड पर गणित का सवाल हल कर ही रही थी कि उसने बहुत गंदी गैस छोड़ दी मूली के पराठे खाने के कारण उसकी गैस से बहुत गंदी बदबू आ रही थी क्लास के सभी बच्चे अपनी अपनी नाक बंद करके क्लासरूम छोड़कर बाहर आ गए क्लास में हंगामा बच गया अदिति ये सब क्या है क्या तुम स्कूल आने से पहले फ्रेश नहीं होती होती हो ना मैडम वो क्या है कि कल रात मैंने मूली के पराठे खाए थे और आज सुबह भी मूली के पराठे खाए क्या? कल रात भी और आज सुबह भी हाँ मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद हैं। लेकिन तुम्हारी पसंद का नुकसान हम सबको भरना पड़ रहा है लेकिन अदिति को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा वो तो अब भी मूली के पराठे खाने पर उतना ही जोर देती घर आकर उसने अपनी माँ से कहा माँ मूली खत्म हो गई क्या हाँ खत्म हो गई सबके पराठे बनवा कर तूने खा लिए अदिति के पिताजी वही सोफे पर बैठे थे और अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहे थे उन्होंने अदिति से कहा क्या बात है अदिति तुम्हें मूली के पराठे खाने हैं क्या हाँ पापा ठीक है मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ दस मिनट में मूली आ जाएगी शेखर इसने कल ही तो मूली के पराठे खाए हैं और आज सुबह नाश्ते में भी मूली खाकर स्कूल गई थी आप भी ना इसकी हर जिद मान लेते हैं रोज रोज मूली के पराठे कौन खाता है खाने दो ना प्रीति वैसे भी गर्मियों के मौसम में मूली कहाँ मिलती है सिर्फ ठंड की ही तो बात है थोड़ी देर में घर की घंटी बजती है और डिलीवरी बॉय मूली देने आता है अदिति खुशी खुशी मूली रिसीव करती है और किचन में प्रीति को ला कर देती है माँ ये लो मूली आज रात में मूली के पराठे बनाना प्रीति ने अपने मन में कहा उफ ये मूली तो मुसीबत बन गई प्रीति ने ना चाहते हुए भी डिनर में मूली के पराठे बनाए और अदिति ने जमकर मूली के पराठे खाए अब तो अदिति रोज रोज प्रीति से मूली के पराठे बनाने के लिए कहती प्रीति अदिति के लिए मूली के पराठे रोज बना दिया करो अदिति को अब रोज मूली के पराठे खाने के लिए मिलते जिसे खा खा कर वो और ज्यादा मोटी हो गई थी और स्कूल में रोज गंदी गैस छोड़ती थी स्कूल के बच्चे और टीचर सभी उसकी आदत से परेशान हो गए थे इसी तरह नवंबर का महीना बीत गया और दिसंबर भी आ गया अब तो ठंड और बढ़ गई थी ऐसे में अदिति का मूली के पराठे खाना और भी बढ़ गया प्रीति मूली के पराठे बनाकर और रोज रोज खाकर परेशान हो चुकी थी एक बार की बात है अदिति के स्कूल में वार्षिक समारोह होने वाला था अदिति ने घर आकर शेखर को ये बात बताई पिताजी स्कूल में वार्षिक समारोह होने वाला है जिसमें सभी बच्चे भाग लेंगे मैं भी एक डांस प्रोग्राम में भाग लूंगी हाँ अदिति बेटा तुम वार्षिक कार्यक्रम में जरूर भाग लेना रोज डांस की प्रैक्टिस करोगी तो शायद तुम्हारा मोटापा भी थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन शेखर ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ अदिति ने वार्षिक कार्यक्रम में भाग तो ले लिया लेकिन डांस की प्रैक्टिस करने के बाद उसे और ज्यादा भूख लग जाती और वो पहले से भी ज्यादा खाना खाने लगी अब वो पहले से ज्यादा मूली के पराठे खाती ओहो मैं तो मूली खरीद खरीद कर थक गई गय कहीं देश में मूली का अकाल ना पड़ जाए ऐसा बड़बड़ाते हुए प्रीति सब्जी वाले को रोकती है सब्जी वाले भैया रुकना जरा बोलिए बहन जी क्या दू मेथी का साग बथुआ का साग ताजे ताजे बैंगन या गाजर अरे ये सब छोड़ो मुझे एक किलो मूली दे दो रोज रोज मूली के पराठे खाती हो बहन जी कभी कोई और सब्जी भी खाकर देखो ठंड का मौसम है इतनी सारी हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं सब अभी खेत से तोड़ कर लाया हूँ प्रीति ठंडी सांस भरते हुए कहती है हमारे घर में तो सिर्फ मूली के पराठे ही खाए जाते हैं आप मुझे मूली ही दे दो फिर एक किलो मूली में क्या होगा आप दो किलो मूली ले लो क्योंकि कल मैं सब्जी लेकर नहीं आऊंगा सब्जी वाला प्रीति को दो किलो मूली दे देता है प्रीति मूली के पराठे बनाती है इधर अदिति का वार्षिक कार्यक्रम नजदीक आ गया था माँ कल हमारे स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम है आपको और पापा को स्कूल आना है ये रहा पास ठीक ग्यारह बजे आप दोनों स्कूल आ जाना ठीक है अदिति बेटा मैं और तेरे पापा स्कूल आ जाएंगे माँ कल नाश्ते में मूली के पराठे बना देना और मुझे लंच में भी चार मूली के पराठे दे देना ठीक है दूसरे दिन अदिति नाश्ते में चार मूली के पराठे खा लेती है और लंच में भी चार मूली के पराठे लेकर जाती है ग्यारह बजने से पहले कार्यक्रम खत्म होने में पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा मैं लंच अभी ही कर लेती हूँ और अदिति ने लंच में मिले मूली के पराठे खा लिए अदिति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा मूली के पराठे खाना उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा जब 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ तब अदिति अपने क्लास के बच्चों के साथ एक डांस परफॉर्म कर रही थी लेकिन उसी बीच मूली के पराठों ने अपना असर दिखाना शुरू किया और अदिति गैस छोड़ने लगी गैस की बदबू इतनी गंदी थी कि स्टेज पर नाच रहे दूसरे बच्चे स्टेज छोड़कर भागने लगे सारे बच्चे स्टेज छोड़कर भाग गए और अदिति अकेली रह गई इस तरह उसका डांस शो पूरा नहीं हो पाया कार्यक्रम में मौजूद स्कूल के प्रिंसिपल टीचर स्कूली बच्चों के अभिभावक भी गैस की गंदी बदबू से अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए सभी एक दूसरे के साथ कानाफूसी कर रहे थे कार्यक्रम में आए अदिति के माता पिता को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई अदिति रोते हुए उनके पास आई माँ देखो ना सभी लोग कार्यक्रम छोड़कर भाग गए और सब मेरे बारे में पूछ रहे हैं <laughs> अदिति बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इतना ज्यादा मूली के पराठे खाना ठीक नहीं है ये सब उसी का नतीजा है मूली के पराठे खा खा कर तुम और भी मोटी हो गई हो और आज तो जो हुआ तुमने देख ही लिया सॉरी मम्मी मैं आज के बाद मूली के पराठे नहीं खाऊंगी <laughs> चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए